हम इस वीडियो में लास्ट ईयर का क्यूएट का सीएस का क्वेश्चन पेपर करेंगे, जिसके अंदर हम फर्स्ट पार्ट करेंगे दैट इज ए पार्ट एंड बी टू पार्ट दैट इज फॉर द आईपी स्टूडेंट्स, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे जो ए पार्ट है वो कंपलसरी होता है फॉर बोथ द आईपी एंड द सीएस स्टूडेंट्स, राइट। यहाँ पे देखो सेक्शन में कंपलसरी लिखा भी हुआ है, राइट। ये क्वेश्चन नंबर वन है, क्वेश्चन आईडी दिया हुआ है आपका एंड द क्वेश्चन टाइप दिया हुआ है। सो लेट अस रीड द क्वेश्चन। Considering the given statement in Python, यहाँ पे एक statement दिया हुआ है Python में, print hello world, okay? What type of error will be generated? अब इसमें आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा error आएगा, right? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या problem है, यहाँ पे जो print है, print, okay? पाइथन क्या है, सेंसिटिव लैंग्वेज है, यहाँ पे प्रिंट जो वर्ड है वो रिकॉग्नाइज ये नहीं करेगा, राइट ओके। क्योंकि यहाँ पे स्मॉल पी होता तो वो एज अ प्रिंट कमांड कंसीडर होता, तो ये कौन सा एरर है, ये नेम एरर है, राइट ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, द ब्रिटिश साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब इन 1990 is, आपको नेम बताना है किसने वर्ल्ड वाइड वेब को क्या किया था, इन्वेंट किया था, राइट। एचटीएमएल को भी इन्वेंट किया था, कौन थे वो, टिम बर्नर्स-ली थे। तो आपका करेक्ट आंसर है सी, राइट ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड अरेंज इन करेक्ट ऑर्डर, ओके। आपको स्टेटमेंट रीड करना है और उसके बाद उसको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। सो लेट अस रीड द स्टेटमेंट। देखो यहाँ पे क्या है, एक्सेप्शन इज रेस्ड, जो ए है वो क्या है, एक्सेप्शन इज रेस्ड, देन बी एग्जीक्यूट एक्सेप्शन, सी प्रोग्राम सर्चेस फॉर एक्सेप्शन हैंडलर, क्रिएट एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट एंड एरर एनकाउंटर्ड। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपकी एरर आती है, ओके। तो ई आपका क्या होगा, फर्स्ट वन, सबसे पहले आपका क्या हुआ, एरर क्रिएट हुआ, राइट ई आएगा आपके सबसे पहले। देन जब एरर आती है तब क्या होता है, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, फाइन। सबसे पहले आपकी एरर आएगी, उसके बाद आपका एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, राइट। तो उसके ई के बाद क्या आएगा आपका, डी, राइट। देन क्या होगा, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और एक्सेप्शन इज रेज्ड, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया, ए, ठीक है, एक्सेप्शन इज रेज्ड, ओके। जब एक्सेप्शन रेज होगा तो क्या होगा, प्रोग्राम सर्च फॉर एक्सेप्शन हैंडलर, ठीक है, एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए प्रोग्राम किसका सर्च करेगा, एक्सेप्शन हैंडलर का सर्च करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप आपका आ गया सी, राइट। देन नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, एक्सेप्शन एग्जीक्यूट्स, राइट। जो भी एक्सेप्शन आता है, एक्सेप्शन हैंडलर क्या करता है, एक्सेप्शन हैंडलर के अंदर कोड लिखा होता है और वहां पे जो भी एक्सेप्शन होता है वो उसको कैच करता है और एक्सेप्शन क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। तो आपका ये जो लास्ट है वो है बी, राइट। सबसे पहले क्या है, ई, एन एरर एनकाउंटर, देन डी क्रिएट एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट, देन एक्सेप्शन इज रेज्ड, देन सी प्रोग्राम सर्चेस फॉर एन एक्सेप्शन हैंडलर, एंड देन बी एग्जीक्यूट्स एक्सेप्शन। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो गया, डी, राइट। क्वेश्चन नंबर फोर, इन एसक्यूएल लाइक कंडीशन अलाउज यू टू यूज वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स टू परफॉर्म मैचिंग। लाइक के साथ आप किसका यूज करते हो, आप लाइक के साथ परसेंट का यूज करते हो, राइट, और आप क्या किसका यूज करते हो, अंडरस्कोर का यूज करते हो, अंडरस्कोर फॉर द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंड परसेंट क्या होता है, फॉर द सबस्ट्रिंग, राइट। तो यहाँ पे क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, तो यहाँ पे हम लाइक के साथ किसका यूज करते हैं, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, हम परसेंट का यूज करते हैं, ओके। डेटा रिडंडेंसी क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा होता है, तो हम ए को किसके साथ मैच करेंगे, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा एट डिफरेंट प्लेसेस और फाइल्स, ओके। ए को हमने मैच किया किसके साथ, हमने ए को मैच किया सेकंड के साथ, राइट। नेक्स्ट आपका क्या है, डेटा इनकंसिस्टेंसी, डेटा इनकंसिस्टेंसी क्या होता है, जब आपका मिसमैच ऑफ डेटा होता है, राइट, मतलब सेम टाइप का डेटा आपका सेव नहीं होता, डिफरेंट क्या होता है, उसमें कंसिस्टेंसी नहीं होती। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन फोर्थ है, मिसमैच ऑफ डेटा मेंटेन्ड एट डिफरेंट प्लेसेस, मतलब जो डेटा है जो आप स्टोर कर रहे हो वो एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा, उसको हम क्या बोलेंगे, डेटा इनकंसिस्टेंसी। तो बी जो आपका है वो किसके साथ होगा, वो आपका होगा फोर्थ के साथ, राइट ये आपका फोर्थ के साथ हो गया। देन डेटा आइसोलेशन, राइट, डेटा आइसोलेशन जो आपका है,
ओके वो क्या है, थर्ड के साथ होगा, डेटा आइसोलेशन मींस अलग कर देना डेटा को, राइट right? तो यहाँ पे क्या होगा, सेपरेशन ऑफ रिसोर्स और डेटा मॉडिफिकेशन मेड बाय डिफरेंट ट्रांजेक्शन। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डेटा को सेपरेट कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं। देखो सेपरेशन ऑफ रिसोर्स और डेटा, डेटा को अलग कर देना, डेटा मॉडिफिकेशन मेड बाय डिफरेंट ट्रांजेक्शन, अलग अलग ट्रांजेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, डेटा को अलग अलग ट्रांजेक्शन में एक दूसरे से आइसोलेट कर रहे हैं। ओके नेक्स्ट क्या है आपका, तो यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन, जो आपका सी ऑप्शन है वो क्या होगा, ऑप्शन 3, राइट। देन है आपका डेटा डिपेंडेंसी। ओके डेटा डिपेंडेंसी क्या होता है, जब डेटा क्या होता है, एक दूसरे पे डिपेंड करता है, तो अगर आप एक जगह चेंज करोगे तो आपको दूसरी जगह भी चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, अपडेटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटा फाइल रिक्वायर्स मॉडिफिकेशन ऑल द एप्लीकेशन प्रोग्राम एक्सेसिंग द फाइल। तो आप एक जगह मॉडिफिकेशन कर रहे हो तो वो क्या है, उसका अपडेट, वो मॉडिफिकेशन आपको हर प्रोग्राम में करना जरूरी है क्योंकि डेटा डिपेंडेंसी है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट, राइट। तो ओवरऑल जो आपका आंसर करेक्ट है वो क्या है, बी है, फाइन। नाउ नेक्स्ट, ओके क्वेश्चन नंबर 6, रोहन स्टार्टिंग वर्किंग ऑन MySQL सर्वर, ठीक है। रोहन क्या कर रहा है, MySQL सर्वर पे वर्क कर रहा है। काइंडली अरेंज द फॉलोइंग कमांड्स इन द सीक्वेंस सो दैट ही कैन क्रिएट अ टेबल, देन इंसर्ट अ रिकॉर्ड इनटू इट एंड डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स, ठीक है। आपको कमांड्स बतानी है कि उसको क्या करना है, पहले टेबल क्रिएट करनी है, फिर उसके अंदर रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम क्या क्रिएट करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे डेटाबेस क्रिएट, तो हमारा जो बी कमांड है क्रिएट डेटाबेस वाला, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, डेटाबेस को यूज करेंगे, तो हमारा डी कमांड है यूज डेटाबेस, ठीक है, यूज डेटाबेस आ गया। देन आपका सी आएगा क्रिएट टेबल कमांड, सी ऑप्शन, ओके। देन ए, टेबल क्रिएट करने के बाद आप उसमें डेटा इंसर्ट करोगे, ए ऑप्शन, राइट। एंड देन आप जब इंसर्ट कर लोगे उसके बाद आप टेबल का डेटा शो कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो, तो आपका ई, फाइन। ए देन डी देन सी ए एंड ई, ओके। तो करेक्ट आंसर इज ए, फाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ओके देखो, डैश इज नॉट अ डीडीएल कमांड, इसमें बताना है कि कौन सा डीडीएल कमांड नहीं है। डीडीएल क्या होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स, जिसके अंदर क्या होता है, कमांड्स कौन सी आती है, क्रिएट कमांड आती है आपकी, ओके, एंड आपकी कौन सी आती है, आपकी आएगी ऑल्टर कमांड, ड्रॉप कमांड, राइट। तो ड्रॉप कर रहे हो, ऑल्टर कर रहे हो, ओके, नंबर ऑफ कॉलम्स इंक्रीज कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, क्रिएट में आप डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो, टेबल क्रिएट कर रहे हो। तो यहाँ पे जो अपडेट कमांड है वो क्या है, वो डीडीएल कमांड नहीं है, क्योंकि वो क्या है, डीएमएल कमांड है, राइट। यहाँ पे हम डेटा को अपडेट करते हैं, डीएमएल स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड, राइट। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है सी। नेक्स्ट इज, डैश इज नोन एज डिजाइन ऑफ अ डेटाबेस, ठीक है। डिजाइन ऑफ अ डेटाबेस क्या, जो डेटाबेस का डिजाइन होता है उसका एक दूसरा नाम क्या होता है, स्कीमा, राइट। उसे हम क्या बोलते हैं, स्कीमा। कीज क्या होती है, आपकी फील्ड्स होते हैं, कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, आपके रूल्स होते हैं, क्वेरी आपकी कमांड्स होती हैं। तो जो डेटाबेस का नाम है वो क्या होता है, हमारा स्कीमा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मिस्टर समीर वांट्स टू कनेक्ट 20 सिस्टम्स विच आर प्रेजेंट विद इन अ सिंगल हॉल, ठीक है। मिस्टर समीर क्या करना चाहते हैं, जो उनके पास 20 सिस्टम्स हैं उनको कनेक्ट करना चाहते हैं एक सिंगल हॉल के अंदर। हेल्प हिम चूज द बेस्ट डिवाइस आउट ऑफ द फॉलोइंग टू अचीव दिस हिज पर्पस, ओके। तो हमें क्या करना है, उनकी हेल्प करनी है जिससे कि वो ऐसा डिवाइस चूज कर सके जो उनका पर्पस सॉल्व कर सके। नॉट दैट द डेटा अराइविंग ऑन एनी ऑफ द लाइन शुड बी सेंड टू द इंटेंडेड नोड और रिसीवर ओनली। अब इन्होंने क्या बता दिया है, डेटा को कहाँ भेजना है, जहां वो जाना चाहिए, इंटेंडेड नोड पर, मतलब जिसके लिए वो डेटा हो, राइट। रिपीटर क्या होता है, डेटा को रिपीट करने के लिए होता है। यहाँ पे हमें रिपीटर, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें कनेक्टिंग डिवाइस चाहिए, राइट। तो कनेक्टिंग डिवाइस में तो हम या तो हब लेंगे या स्विच लेंगे, क्योंकि स्मॉल एरिया के लिए चाहिए, हमें बिग एरिया के लिए नहीं चाहिए। तो हब क्या है, ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस है, वो क्या करता है, डेटा मल्टीपल डिवाइसेस को एक साथ भेजता है, लेकिन स्विच क्या होता है, इंटेंडेड नोड को ही डेटा को सेंड करता है। तो आपका करेक्ट आंसर यहां पर स्विच है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, नाउ इन फाइल मोड
डैश द फाइल ऑफसेट पोजिशन इज एंड ऑफ द फाइल। फाइल का ऐसा कौन सा मोड होता है जहां पे फाइल का जो कर्सर होता है, फाइल ऑफसेट यू कैन से, वो कहाँ पे होता है, एंड ऑफ द फाइल होता है, मतलब पूरा डेटा लिखा हुआ है और एंड ऑफ द फाइल में जाके आपकी कर्सर की पोजिशन है, राइट तो ये होता है अपेंड मोड में। अगर आप फाइल को रीड या राइट मोड में ओपन करोगे तो हमेशा आपका ऑफसेट क्या होगा, एट द स्टार्टिंग ऑफ द फाइल, ओके। सिर्फ अपेंड मोड में क्या होता है, वो एंड ऑफ द फाइल होता है। तो आपका आंसर क्या है, डी, राइट। नाउ वी हैव क्वेश्चन 11, ओके। चूज द करेक्ट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी। आपको यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी का करेक्ट आउटपुट फाइंड आउट करना है, क्या है, सिलेक्ट मिड सेव एनवायरनमेंट 6-7। तो सिक्स पोजीशन से जो मिड फंक्शन होता है वो सबस्ट्रिंग निकालने के लिए होता है, तो कहाँ से आपको निकालनी है, सिक्स करेक्टर से स्टार्ट करना है, और कितने करेक्टर्स निकालने हैं, 7 करेक्टर्स आपको निकालने हैं। तो सिक्स करेक्टर आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 ई से स्टार्ट होगा, और यहाँ से हमें 7 करेक्टर निकालने हैं, तो ये आ जाएगा एनवायरन, ठीक है। कौन सा आपका आंसर करेक्ट है, आंसर नंबर आंसर सी ऑप्शन, ओके समझ आ गया। आपको सिक्स करेक्टर से स्टार्ट करना था और कितने करेक्टर्स आपको निकालने थे, 7 करेक्टर्स, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है एनवायरन, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12, अ मोबाइल कनेक्टेड टू अ लैपटॉप थ्रू यूएसबी इज एन एग्जांपल ऑफ। अब आपका मोबाइल किससे कनेक्ट है, लैपटॉप से कनेक्ट है, राइट, किसकी हेल्प से, यूएसबी डिवाइस की हेल्प से, तो ये किसका एग्जांपल है, ये है पर्सनल एरिया नेटवर्क एग्जांपल, ओके। जब आप मोबाइल या ब्लूटूथ से कनेक्शन करते हो, यूएसबी डिवाइस के थ्रू लैपटॉप से अपने मोबाइल को कनेक्ट करते हो, तो कौन सा नेटवर्क बनता है, वो आपका बनता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, विच कमांड इज यूज टू डिलीट टेबल फ्रॉम अ डेटाबेस। अगर आपको टेबल डिलीट करना है डेटाबेस में से, तो आप कौन सा कमांड यूज करते हो, आप कमांड यूज करते हो ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, राइट। डिलीट किस लिए, डिलीट जो होता है कीवर्ड, वो किसके लिए यूज होता है, रोज को, रिकॉर्ड्स को डिलीट करने के लिए होता है। यहाँ पे जो कंप्लीट टेबल के हम क्या यूज करते हैं, ड्रॉप कमांड, राइट। क्वेश्चन नंबर 14, फाइन। अब आपको देखो यहाँ पे क्या करना है, मैच करना है लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, ब्राउजर, ब्राउजर का एग्जांपल आपका क्या है, क्रोम, गूगल क्रोम। तो ए आपका किसके साथ कनेक्ट हुआ, आपका ए कनेक्ट हुआ सेकंड के साथ, फाइन। देन बी, बी आपका क्या है, मल्टीपोर्ट मॉडम, ठीक है, मल्टीपोर्ट मॉडम, ऐसा मॉडम जिसमें बहुत सारे मतलब मल्टीपल पोर्ट्स हैं। तो यहाँ पे आपका ये क्या है, हब, ओके, इट एक्ट्स लाइक अ मॉडम, ओके। देन प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल हमारे पास यहाँ पे एसएमटीपी है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो सी आपका कनेक्ट हो जाएगा फर्स्ट के साथ। देन बीसीसी, बीसीसी स्टैंड फॉर द ब्लाइंड कार्बन कॉपी, राइट। ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या होता है, जहां पे लिस्ट नहीं जाती है कि ये मेल और किस किस के पास गया है, ओके। तो ये हमारा ऑप्शन क्या है, ए इस विद ए का, ए किसे कनेक्ट होगा, सेकंड के साथ, बी फोर्थ के साथ, एंड सी फर्स्ट के साथ, ओके। एंड डी आपका, डी किसके साथ कनेक्ट होगा, थर्ड के साथ। तो आपका आंसर जो करेक्ट है वो है सी, ओके, मिडल, मिड, सब, सब एसटीआर, सब स्ट्रिंग, फाइंड आउट द ऑड वन। तो यहाँ पे देखो मिड फंक्शन, सब एसटीआर, सब स्ट्रिंग किसके लिए यूज होते हैं, सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज होते हैं, ओके, स्ट्रिंग के कुछ पर्टिकुलर पार्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑड वन है वो क्या है, मिडल है, ओके। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, ओके, ओके। अब हम इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का पार्ट यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। हमारा एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 51, राइट द आउटपुट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ गिवन पांडा सीरीज एस, राइट। ये हमारे पास सीरीज है, ओके, और स्टेटमेंट दिया हुआ है आपको एस, ओके, एंड ब्रैकेट्स में दिया है कॉलन थ्री दिया हुआ है, फाइन। तो इसका क्या है मतलब, ये कहां से कहां, जो आपका स्टार्टिंग इंडेक्स है वो जीरो है, ओके, एंड एंडिंग इंडेक्स आपका क्या है, थ्री। तो थ्री माइनस वन दैट इज टू, तो ये कौन कौन सा लेगा, स्ट्रिंग की कौन से इंडेक्स वैल्यूज को लेगा, जीरो, वन एंड टू, ओके, जीरो, वन एंड टू इंडेक्स वैल्यूज को लेगा। तो आपके कौन से आएंगे,
जीरो इंडेक्स पे आपका टू है, फोर एंड सिक्स ये वैल्यूज आएंगी, ओके जीरो वन एंड टू, राइट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर, आपका करेक्ट ऑप्शन है सी। फाइन, देखो यहाँ पे ए क्या है, जीरो इंडेक्स है, बी आपका वन है एंड सी आपका टू इंडेक्स है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 52। Rajesh read the given CSV file in a data frame and he is not aware of how to skip the column heading by reading. Okay, तो यहाँ पे राजेश क्या कर रहा है, एक CSV file को read कर रहा है, okay, transfer कर रहा है data frame में. Read the given CSV file in a data frame. Okay, and he is not aware of how to skip. लेकिन वो चाहते हैं column की heading ना आए, ठीक है। CSV फाइल रीड करते टाइम, मतलब CSV फाइल का डेटा ट्रांसफर करते टाइम, डेटा फ्रेम के अंदर ट्रांसफर करते टाइम रीड उसका कॉलम हेडिंग ना आए, तो चूज द करेक्ट आर्ग्यूमेंट रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ओके। तो इस अगर हमें क्या चाहिए, CSV फाइल की हेडर आप नहीं लाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, हेडर को नन सेट कर दोगे। तो आप यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हम यूज करेंगे, यहाँ पे हम हेडर ऑप्शन यूज करेंगे और हेडर को हम कर देंगे नन, एन ओ एन ई नन, ओके एन ओ एन ई नन, राइट। द क्वेश्चन 53। नाउ Which package or software is most suitable to create the CSV file? CSV file create करने के लिए कौन सा जो software होता है वो सबसे ज़्यादा suitable होता है? तो हमारा जो सबसे ज़्यादा suitable software है वो है spreadsheet। आपने देखा होगा जब आप इसको open करते हो तो जितनी भी CSV files होती हैं वो mostly by default क्या करती है, spreadsheet के अंदर open होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसके लिए most suitable software है वो spreadsheet है। Question number 54। Consider a data frame DF which statements are incorrect with respect to DF operations, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा फ्रेम है जिसका नेम है DF और आपको बताना है कि कौन से ऑपरेशन क्या है इनकरेक्ट है, फाइन राइट। तो अब हम देखेंगे कौन कौन से इनकरेक्ट है। यहाँ पे जो हमारा ए दिया है डीएफ और आपका कॉलम दिया है एक्स, उसकी वैल्यूज दी है, विल एड अ न्यू कॉलम एक्स टू द डेटा फ्रेम, तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, फाइन। देन आपका डीएफ डॉट लॉग एक्स दिया हुआ है एंड विल एड अ न्यू कॉलम एक्स टू द डेटा फ्रेम लॉग, तो ये आपका इनकरेक्ट है, राइट। बी आपका इनकरेक्ट है, डीएफ एक्स एंड लिस्ट ऑफ विल एड अ न्यू रो टू द डेटा फ्रेम, ये भी आपका इनकरेक्ट है। Then D, df dot log x आपकी वैल्यूज दी हुई है, विल ऑलवेज एड अ न्यू रो टू द डेटा फ्रेम, ऑलवेज राइट, ये भी आपका क्या है, इनकरेक्ट है। देन नेक्स्ट df dot drop x, x is zero दिया हुआ है, विल डिलीट द रो विद द लेबल x फ्रॉम द डेटा फ्रेम, तो आपका E यहाँ पे करेक्ट है, यहाँ पे आपका ऑप्शन A और E करेक्ट है, तो आपका जो इसमें आंसर होगा वो होगा आंसर B, राइट। Now next, okay. Question number 55. Consider the table given below. यहाँ पे हमें table दी हुई है. Find student table है. अब उसके basis पे आपको answers देने हैं कुछ question के. Based on the above table, which command will give the following result? Right? आपको class. अब इसके basis पे हमारे देखो table अब एक बार फिर से देख लेते हैं. स्टूडेंट टेबल है जिसके थ्री कॉलम्स है, ठीक है। यहाँ पे एडमिशन नंबर है, नेम है एंड क्लास है, नेम एंड क्लास, ओके। और यहाँ पे जो आपकी क्वेरी आई है उसमें क्लास आया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आए हैं अकॉर्डिंग टू द क्लास, तो यहाँ पे क्लास की ग्रुपिंग हुई है। पूछा है बेस्ड ऑन द अबव टेबल विच कमांड विल गिव द फॉलोइंग रिजल्ट, तो ये कमांड कौन सा, ये जो रिजल्ट आया वो कौन सी कमांड से आएगा यहाँ पर, तो हम यहाँ पे ग्रुप बाय और हैविंग को देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्लास है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो कॉलम हमारे पास नहीं है, क्लास कॉलम है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कौन सा है, यहाँ पे सिलेक्ट क्लास काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय क्लास, ये रॉन्ग है आपका। देन सिलेक्ट क्लास काउंट स्टार, ओके नंबर ऑफ स्टूडेंट, और यहाँ पे ग्रुप बाय और हैविंग का यहाँ पे यूज नहीं हुआ, ग्रुप बाय का हुआ बट हैविंग का नहीं हुआ यूज, ये भी रॉन्ग है। सिलेक्ट क्लास काउंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो कोई कॉलम है ही नहीं यहाँ पर। हम नेक्स्ट देखते हैं, सिलेक्ट क्लास, ठीक है क्लास आ गया, काउंट स्टार, काउंट स्टार से क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज
काउंट हो जाएंगी एज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और जो नंबर ऑफ रोज काउंट होंगी उस कॉलम का नाम क्या हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल का नाम है. ग्रुप बाय क्लास, आपने कैसे ग्रुपिंग की है, ग्रुप बाय क्लास. ओके, हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन वन, जहां पे जो काउंट है, जो काउंट नंबर ऑफ रोज है वो वन से ग्रेटर हो. ठीक है, जो नंबर ऑफ रोज है वो वन से ग्रेटर हो. ठीक है, तो देखो हमारे पास ट्वेल्थ ए, ट्वेल्थ ए, ट्वेल्थ ए थ्री टाइम्स आई, एंड ट्वेल्थ सी क्या है, ट्वेल्थ सी एंड ट्वेल्थ सी दो टाइम. ट्वेल्थ बी आपका सिर्फ एक बार आया है, लेकिन हमने कंडीशन क्या लगा दी यहाँ पे कि काउंट नंबर ऑफ रोज किससे ग्रेटर हो, वन से. तो यहाँ पे इसने ट्वेल्थ बी को काउंट नहीं किया है, क्योंकि हैविंग कंडीशन लगी हुई ना. तो आपका जो ऑप्शन डी है वो है करेक्ट, राइट. देन आपका क्वेश्चन नंबर 56 में हम देखेंगे, कंसीडर द टेबल गिवन बिलो. यहाँ पे हमें स्टूडेंट टेबल दी हुई है, एडमिशन नंबर, नेम, क्लास, कोड. ठीक है, विच ऑफ दिस को थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ. विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड विल डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर नेम इन असेंडिंग ऑर्डर. नेम को असेंडिंग ऑर्डर में आपको शो करना है, स्कोर को भी, सॉरी, नेम को भी डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है और स्कोर को भी डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, राइट. तो आपका फर्स्ट का सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय नेम, स्कोर डिसेंडिंग. तो नेम के साथ तो इन्होंने डिसेंडिंग दिया नहीं है, तो ये रॉन्ग है आपका. देन बी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय नेम एंड, एंड तो आएगा नहीं, बिकॉज आपको कॉलम सेपरेट किससे करोगे, आप कोमा से करोगे. फिर आपका सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय नेम, ठीक है, डीईएससी इज यूज फॉर द डिसेंडिंग, एंड कोमा दिया है, फिर स्कोर डीईएससी. तो ये आपका करेक्ट आंसर है सी. ठीक है, इससे जो क्या होगा, नेम जो कॉलम होगा वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा और स्कोर कॉलम भी आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा. देन वी हैव 57 क्वेश्चन नंबर. गिवन आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असेशन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन. तो फर्स्ट आपका असेशन है, सेकंड आपका रीजन है. असेशन क्या है, वी नीड टू इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब फॉर क्रिएटिंग ग्राफ्स यूजिंग द कमांड्स. हमें मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी की जरूरत होती है, हम इसको इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, ग्राफ्स बनाने के लिए. तो अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप कौन सा कमांड देते हो, पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब. तो ये आपका सेशन करेक्ट है. रीजन फॉर प्लॉटिंग यूजिंग मैटप्लॉटलिब, वी नीड टू इंपोर्ट पाइपलॉट मॉड्यूल यूजिंग इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइपलॉट एस पीएलटी. ओके, तो अगर हमें क्या करना है, ग्राफ्स को प्लॉट करना है, तो मैटप्लॉटलिब की पाइपलॉट लाइब्रेरी को हम क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं. और कैसे इम्पोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइपलॉट एस पीएलटी. PLT आप उसका क्या दे रहे हो, एलियास नेम दे रहे हो. तो यहाँ पे assertion भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, बट ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड नहीं है. ठीक है, यहाँ पे जो रीजन है वो assertion को जस्टिफाई नहीं करता, although ये दोनों करेक्ट है. फाइन, तो इसका आंसर हम लेंगे बी. बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. फाइन, नाउ 58 क्वेश्चन. 58 क्वेश्चन में देखो आपका क्या है, लिस्ट वन है, लिस्ट टू है, आपको मैच करना है. फर्स्ट क्या है आपका, ई वेस्ट. ई वेस्ट क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसको आप यूज नहीं कर रहे हो. तो यहाँ पे आपका ये किससे मैच होगा, सेकंड से, डिवाइस दैट आर नॉट नो लॉन्गर इन यूज. देन आपका बी क्या है, रिड्यूस. रिड्यूस क्या होता है, कम कर देना, मिनिमाइज कर देना. तो ये आपका फर्स्ट से मैच होगा, मिनिमाइज द परचेज अकॉर्डिंग टू नीड ओनली. देन वी हैव द रीयूज. रीयूज मतलब इसको दोबारा यूज करना. तो ये हम आपका फोर्थ से मैच करेगा, प्रोसेस ऑफ रीयूजिंग द वेस्ट आफ्टर मॉडिफिकेशन. देन आपका रिसाइकल. रिसाइकल क्या होता है, इसको कन्वर्ट करके दोबारा से यूज करना. तो आपका ये थर्ड से मैच होगा, कन्वर्जन ऑफ डिवाइसेज इनटू समथिंग टू यूज अगेन एंड अगेन, राइट. तो ओवरऑल जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आंसर सी. फाइन, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 59, राइट. डैश वॉज द फर्स्ट वेब ब्राउजर डेवलप्ड बाय नेशनल सेंटर फॉर के थ्रू, वो कौन सा था, वो था मोजाइक. फाइन, नाउ क्वेश्चन नंबर 60. मिस भाविका वॉन्ट्स टू चेंज द इंडेक्स ऑफ द डेटा फ्रेम एंड द आउटपुट फॉर द सेम इज गिवन बिलो. मतलब इंडेक्स चेंज होने के बाद का आउटपुट आपके पास आया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे आपका इंडेक्स चेंज हुआ है, स्टूडेंट वन एंड स्टूडेंट टू.
राइट right? तो इंडेक्स चेंज करने के लिए d1.index ऐसे दिया हुआ, नो आपका जो है इसका करेक्ट आंसर बी है. आपको इंडेक्स चेंज करना है तो डेटा फ्रेम का नेम डॉट इंडेक्स ओके इक्वल्स टू विद इन द लिस्ट आपने इंडेक्स की वैल्यूज दे दी है. फाइन, तो आपका ऑप्शन बी क्या है करेक्ट है. ओके, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 61. इन डेटा साइंस फॉर डेटा एनालिसिस विच ऑफ द पाइथन लाइब्रेरी आर मोर पॉपुलर. डेटा साइंस में कौन सी लाइब्रेरी का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, तो वहां पे किया जाता है पांडास लाइब्रेरी का सबसे ज्यादा यूज. राइट, ग्राफ्स वगैरह बनाने के लिए पांडास का बहुत यूज किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है यहाँ पर. Which malware is used to generate revenue for its developer? ऐसा कौन सा मालवेयर है राइट जिसका यूज किया जाता है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए. राइट, स्पाईवेयर क्या करता है, स्पाई करता है आपके सिस्टम से इंफॉर्मेशन को चोरी करता है. राइट, तो नेक्स्ट आपका जो एडवेयर है, एडवेयर क्या करता है आपके स्क्रीन पे जो एड्स आते हैं वो क्या करते हैं रेवेन्यू जनरेट करते हैं फॉर द डेवलपर. राइट, तो इसका आंसर क्या है एडवेयर. फाइन, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. अ डैश इज अ हैकर विद एन एम टू ब्रिंग अबाउट पॉलिटिकल एंड सोशल चेंज. ऐसा हैकर ओके जो हैकिंग करता है किस लिए, उसका एम होता है पॉलिटिकल और सोशल चेंज करने का, तो हम उसको कहते हैं हैक्टिविस्ट. राइट, तो इसका ऑप्शन है आपका बी. देन क्वेश्चन नंबर 64. फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग. इसमें आपको आउटपुट बताना है. सिलेक्ट सबस्ट्रिंग एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग 75. तो 7 करेक्टर से स्टार्ट करना है और 5 करेक्टर्स आपको लेने हैं. तो 7 1 2 3 4 5 6 7. तो सी से आपका 7 करेक्टर स्टार्ट होगा और 5 1 2 3 4 5. तो आपका आंसर क्या है ए क्लाउड. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 65. Find the output for the following. Import NumPy as np. आपने NumPy library को import किया, okay? फिर आपने क्या किया है? यहाँ पे NumPy array create किया है, okay? Pencil, eraser and pen. तीन आपने arrays को create किया है, okay? Then आपने क्या किया? Import pandas as pd. Pandas को import किया और pandas के डेटा फ्रेम के अंदर आपने पास किया एरेज को. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एरेज से डेटा फ्रेम को क्रिएट कर रहे हैं. तो हमने तीनों एरेज को जो हमने क्रिएट किए थे NumPy लाइब्रेरी की हेल्प से उसको पास कर दिया डेटा फ्रेम फंक्शन के अंदर, पेंसिल पेन एंड इरेजर, और कॉलम के नेम दे दिए हमने ए बी सी डी ई एफ एंड जी एच. राइट, और डेटा फ्रेम किस नेम से आ जाएगा, स्टेशनरी, और आपने उसके बाद उसको प्रिंट करा दिया. राइट, अब यहाँ पे देखो हमारी वैल्यू, एक जो पेन जो आपका वो था एरे उसमें 4 आपकी वैल्यूज थी, बाकी 2 में आपके पास क्या थी, आपके पास 3 वैल्यूज थी. ओके, तो यहाँ पे देखो अब यहाँ पे आपने पास कर दिया है और कॉलम्स नेम दे दिए. पेंसिल सबसे पहले आपने पेंसिल दिया है. ओके, तो आपका पेंसिल सबसे पहले आएगा पेंसिल की वैल्यू. ओके, तो पेंसिल की वैल्यू आपकी आ गई है, देखो जो फर्स्ट है यहाँ पे 10 20 30, यहाँ पे 10 20 30, और सेकंड आपने दिया है पेन. पेन में आपका 11 16 17 18, 11 16 17 18, और देखो जहां पे वैल्यूज मिसिंग है वहां पे एन एन आ गया है. फाइन, तो जो हमारा ऑप्शन ए है वही करेक्ट है. ओके, क्योंकि देखो मिसिंग वैल्यू के लिए हम ना तो नो वैल्यू लिखते हैं ना ही यहाँ पे 0 आएगा. फाइन, और यहाँ पे डैश दिया है वो भी नहीं आएगा. तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे एन ए एन जहाँ पे वैल्यू मिसिंग है वहां एन ए एन आ गया है. और आपका फिर इरेजर वाला है तो 40 50 70 एन ए एन. राइट, देन वी हैव द क्वेश्चन नंबर 66. ऑटो PCT is used in pie plot to display the dash of dead part as a label. तो ऑटो PCT किस लिए यूज होता है, इट इज यूज टू शो द ऑटोमेटिक परसेंटेज. राइट, तो आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, परसेंटेज, किसी पार्ट की ऑटोमेटिकली ये परसेंटेज दिखाएगा कि कितना परसेंटेज ये पर्टिकुलर पार्ट ऑक्यूपाई कर रहा है. नाउ क्वेश्चन नंबर 67. कंसीडर द फॉलोइंग कोड. यहाँ पे हम कोड, आपको कोड दिया गया, आपको ये देखना है. इम्पोर्ट पांडास एस पी डी, इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइपलॉट एस पी एल टी. राइट, पांडास की लाइब्रेरी मैटप्लॉटलिब का पाइपलॉट मॉड्यूल आपने इम्पोर्ट कर लिया है. फिर आपने यहाँ पे लिस्ट दे दी है न्यूट्रिशन वैल्यू कॉल वेल. राइट, अब आपने क्या किया है, पाई चार्ट को आपने यहाँ पे प्लॉट किया है, पी एल टी डॉट पाई, उसके अंदर आपने वैल्यूज को पास, जो लिस्ट ऑफ वैल्यूज है
आपने पास कर दिए एन वैल्यू लेबल्स कलर्स एक्सेट्रा राइट. नाउ पीएलटी डॉट डैश और आपने यहाँ पे दिया न्यूट्रिशनल वैल्यू. अब देखो न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, हमारे यहाँ पे क्या है टाइटल ऑफ द चार्ट है, तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे टाइटल फंक्शन का यूज करोगे पीएलटी डॉट टाइटल. नेक्स्ट आपका क्या है, आपको जो इन द एंड जो कमांड यूज करते हो चार्ट को शो करने के लिए, वो कि आप वो कमांड क्या होता है शो फंक्शन, तो पीएलटी डॉट शो आप यूज करोगे राइट. तो यहाँ पे फर्स्ट में आएगा टाइटल और सेकेंड में आएगा शो, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है ए. ओके राइट. Then we have question number 68. Consider the following stock value data. आपको एक data frame दिया हुआ है right? March, April, May, June, July. उसमें stock values दी हुई है fine. अब देखो find output of the following. आपको output निकालना है stock frame dot log और log के आपके अंदर आपका क्या दिया हुआ है, आपकी row levels दिए हुए हैं KPL और WPM. KPL and WPM. तो यहाँ पे आपकी ये दोनों रोज आ जाएंगी एक्सट्रैक्ट होके फाइन. तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ पर. देन क्वेश्चन नंबर 69. नाउ बैड पोस्चर बैक एक नेक एंड शोल्डर पेन कैन बी प्रिवेंटेड बाय अरेंजिंग द वर्क स्पेस एज रिकमेंडेड बाय. तो ये आपको कौन रिकमेंड करेगा वर्क स्पेस पे एक एक्यूरेट पोस्चर में आप बैठे और वर्क करें, तो ये एर्गोनॉमिस्ट क्या करता है, ये पूरा जो वर्क प्लेस पे कैसे डिजाइन होना चाहिए कि वो जो पीपल वहां पे वर्क करें उनके लिए क्या हो, एक सेफेस्ट एनवायरनमेंट हो, एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट हो. ओके नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 70. Which command is used for combining merging data frame in pandas? तो pandas में data frame को merge करने के लिए आप कौन सा command use करते हो, आप use करते हो pd.merge फंक्शन का. ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी पीडी डॉट मर्ज कमांड फाइन. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 71. आइडेंटिफाई द करेक्ट कस्टमाइजेशन ऑन द बार चार्ट राइट. आपको बार चार्ट पे करेक्ट कस्टमाइजेशन चाहिए, तो यहाँ पे आपका क्या है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. लाइन स्टाइल यस, आप बार चार्ट में लाइन स्टाइल देते हो, आप बार चार्ट में लाइन विड्थ भी देते हो राइट, एच कलर भी देते हो. ओके क्वेश्चन जो आपका कलर ऑफ द बार वो आप, ये आप ऐसे नहीं देते, कलर ऑफ द बार ऑप्शन नहीं होता, मार्कर आप लाइन में देते हो बार में नहीं देते हो राइट. तो आपका आंसर क्या आएगा, ए बी एंड सी राइट. तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, ए बी एंड सी फाइन. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 72. रोहन wants to create the panda series with the first five even numbers with index as A, B, C, D, E. ठीक है, रोहन को क्या करना है, सीरीज क्रिएट करनी है जिसमें फाइव इवन नंबर हो और इंडेक्स वैल्यूज क्या हो, A, B, C, D, E. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट टू डू द सेम. आपको आप इसमें बताना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है राइट. ओके एज्यूमिंग दैट द पांडास लाइब्रेरी इज ऑलरेडी इम्पोर्टेड विद द ऑब्जेक्ट एलियाज एज पी डी एंड नंपाई एज एन पी. तो पांडास लाइब्रेरी इसमें इम्पोर्ट है ऑलरेडी राइट, विद द नेम पी डी एंड नंपाई लाइब्रेरी इम्पोर्ट है विद द नेम एन पी. ओके तो हम देखेंगे जो फर्स्ट है हमारा पी डी डॉट सीरीज एन पी डॉट अरेंज राइट. तो यहाँ पे एन पी डॉट अरेंज फंक्शन, यहाँ पे देखो 2 12 2 फाइन. तो यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करेगा, 2 से स्टार्ट करेगा और ओके okay, और स्टेप वैल्यू क्या दी है 2 और एंडिंग वैल्यू आपकी दी है 12. तो ये कैसे चलेगा, इवन नंबर्स ही ये क्रिएट करेगा, 2 देन 4 आएगा आपका, देन आपका आएगा 6 ओके 2 4 6 देन आपका आएगा 8 एंड देन उसके बाद आपका आएगा 10 राइट. आपकी ये वैल्यूज आएंगी ओके और इंडेक्स आ जाएगा ए बी सी डी एंड ई. तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए राइट. ओके एनपी डॉट रेंज फंक्शन ये यहाँ पे रॉन्ग है और यहाँ पे देखो अरेंज फंक्शन तो यूज हुआ है लेकिन 10 तक दिया तो 10 को वो एक्सक्लूड करेगा तो ये भी रॉन्ग है फाइन. और यहाँ पे पी डी डॉट अरेंज दिया है, ये पांडास का नहीं नंपाई का अरेंज फंक्शन है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट है फाइन. Then we have question number 73. Given a data frame D1 with column name, stream and roll number. ठीक है, हमारे पास डेटा D1 है, डेटा फ्रेम D1 है ओके जिसमें कॉलम है, कॉलम्स क्या है, नेम है, स्ट्रीम है और रोल नंबर है. प्रभात wants to print the details of भव्या along with the stream.
राइट तो क्या करना है, भव्या की डिटेल्स को प्रिंट कराना है उसकी स्ट्रीम के साथ, आइडेंटिफाई द क्रैश स्टेटमेंट, तो आपको क्रैश स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट करानी है। तो यहाँ पे तो जो फर्स्ट है प्रिंट D1 नेम, ओके तो ये जो दिया हुआ है ब्रैकेट्स में ये आपका क्या है, ये आपका रॉन्ग है यहाँ पर। सेकंड आप हम देखेंगे प्रिंट D1 कॉलम्स के नेम दिए हुए हैं एज अ लिस्ट, ओके और आपने कंडीशन दे दी D1 नेम इक्वल्स डबल इक्वल्स टू है भव्या, राइट तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे कॉलम नेम नहीं स्पेसिफाई किया गया है और जो डी है उसमें इक्वल्स टू सिंगल इक्वल्स टू दिया हुआ, ये भी रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर है आपका बी प्रिंट D1, ओके एंड D1 के आपने अंदर आपने कॉलम्स की लिस्ट दे दी जो जो आपको प्रिंट कराने हैं और आपने यहाँ पे कंडीशन दे दिया D1 नेम कॉलम इक्वल्स डबल इक्वल्स टू भव्या, राइट ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 74, गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी, सिलेक्ट मंथ नेम, तो यहाँ पे मंथ नेम से क्या आएगा, मंथ का नेम आ जाएगा, यहाँ पे डेट के अंदर मंथ नेम मंथ क्या है 11th है तो आपका ये आ जाएगा ऑप्शन बी नवंबर, फाइन। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 75, एज्यूम द गिवन टेबल्स डांस एंड म्यूजिक, तो दो टेबल्स हमें दी हुई हैं, विच ऑपरेशन शुड बी अप्लाइड टू द टेबल टू गेट द फॉलोइंग आउटपुट, तो यहाँ पे देखो दोनों टेबल्स का क्या हुआ है, यूनियन हुआ है, ठीक है यूनियन हुआ है और देखो आस्था माहिरा मोहित संजय, आस्था माहिरा मोहित संजय, फिर महक माहिरा, यहाँ पे क्या हो गया इलिमिनेट हो गया है, लावण्य आ गया है और अभय आ गया संजय, तो डुप्लीकेट जो रिपीटेड डेटा है वो इलिमिनेट हो गया है, अदरवाइज दोनों टेबल्स का क्या हुआ है मर्ज हुआ है यूनियन हुआ है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या है करेक्ट ए यूनियन, यूनियन ऑफ द टेबल। नाउ 76, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है, ऑल स्विचेस आर हब्स, यस ऑल स्विचेस आर हब्स क्योंकि कनेक्टिंग डिवाइस है, ओके ऑल हब्स आर स्विचेस, ये आपका रॉन्ग है क्योंकि सारे हब्स स्विचेस नहीं होते, वो ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस होते हैं, जबकि स्विच क्या होता है एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे ही मैसेज को सेंड करता है, फाइन। तो यहाँ पे 76 जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट, ओके। Then next we have question number 77. The hacker takes advantage of congested and heuristic network environment in dash to sneak into system undetected. तो कौन से environment में hacker क्या करते हैं, congested environment का फायदा उठाते हैं, जब आपका क्या होता है traffic flooding होती है, जब बहुत ज्यादा एक साथ बहुत ज्यादा traffic आ जाता है तो क्या होता है जो सिस्टम होता है, ठीक है जो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सिस्टम होता है वो क्या हो जाता है, वो इतना ज्यादा उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, इतना ज्यादा उसमें जो होता है हैकर्स को डिटेक्ट नहीं कर पाता, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या है करेक्ट सी। Now we have question number 78. SQL Alchemy is a library that is used to interact with MySQL database by providing required credentials, right? तो SQL Alchemy क्या है, library है, okay, जो आपकी help करती है MySQL database से integrate करने में। Which of the following statements are correct? तो आपको बताना है कौन सी statements यहाँ पे correct है, pip install SQL Alchemy command is used to install SQL Alchemy, तो ये आपकी correct statement है। Next है आपका B, create engine enable the connection to be established between database and pandas, तो this is also correct, ओके। देन वी हैव सी, क्रिएट इंजन डज नॉट रिटर्न एनी ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्रिएट इंजन ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है तो यहाँ पे ये रॉन्ग है, ओके। देन आपका डी, क्रिएट इंजन फंक्शन टेक ओनली डेटाबेस नेम एज द पैरामीटर फॉर कनेक्टिंग विद द पांडास, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। देन वी हैव ई, स्ट्रिंग इनसाइड क्रिएट अंडरस्कोर इंजन फंक्शन इज नोन एज कनेक्शन स्ट्रिंग, राइट ये आपका करेक्ट है, तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो ए बी एंड ई करेक्ट है, तो आपका आंसर कौन सा हुआ यहाँ पे बी, राइट। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 79, आपके पास दो लिस्ट दी हुई है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 जो आपको मैच करनी है, ओके। डेटा फ्रेम डॉट शेप, डेटा फ्रेम डॉट शेप क्या करता है, आपका डायमेंशन बताता है डेटा फ्रेम का, तो ये इससे कनेक्ट होगा आपका थर्ड से, टू डिस्प्ले डायमेंशन ऑफ डेटा फ्रेम, राइट। डायमेंशन मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज, ओके। देन बी, बी क्या है आपका डेटा फ्रेम डॉट टी, टी किसके लिए यूज होता है, ट्रांसपोज के लिए होता है, टी स्टैंड फॉर द ट्रांसपोज,
मतलब एक्सचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स, तो ये आपका कनेक्ट होगा फोर्थ के साथ, टू इंटरचेंज कॉलम्स एंड रोज। फिर आपका है डेटा फ्रेम डॉट इंडेक्स, राइट, ये आपका किसके लिए होगा, इंडेक्स, डेटा फ्रेम डॉट इंडेक्स आपका होगा टू डिस्प्ले द लेबल्स, राइट, लेबल्स को डिस्प्ले करने के लिए। देन आपके पास है डी, डेटा फ्रेम डॉट कॉलम्स, राइट, तो डेटा फ्रेम डॉट कॉलम्स क्या करेगा, टू डिस्प्ले द नेम्स ऑफ द कॉलम्स, राइट, ओके। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन है करेक्ट, सी, ए किससे कनेक्ट है, थर्ड से, बी फोर्थ से, सी सेकंड से एंड डी फर्स्ट से। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 80, कंसीडर द फॉलोइंग सीरीज, यहाँ पे आपके पास दो सीरीज दी हुई है, सीरीज ए एंड बी, ओके, चूज द करेक्ट वैल्यू फॉर द सीरीज ए आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपको बताना है कि इस स्टेटमेंट के बाद सीरीज ए की क्या वैल्यू होगी, फाइन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीरीज ए किससे ऐड करी, सीरीज बी से, और जो फिल वैल्यू है, मिसिंग वैल्यू है, राइट, वो क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी, राइट। तो यहाँ पे एडिशन होगा, यहाँ पे सीरीज ए को हम ऐड कर रहे हैं सीरीज बी के साथ, ए को हम ऐड कर रहे हैं तो वन ऐड हो जाएगा 100 से 101, और टू ऐड हो जाएगा 20 से 20, राइट। तो यहाँ पे और एक्स और वाई पे हमारा क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा नॉट अ नल वैल्यू, नॉट अ नंबर वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे आपके देखो, यहाँ पे ये सारे इनकरेक्ट हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो ही ऐड होंगे, तो ये भी आपका इनकरेक्ट है, आपका बी भी ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट है, आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि देखो 101, वन ऐड हो गया 100 से तो 101, और टू ऐड हो गया 20 से तो 22, बाकी एक्स वाई दोनों में नहीं है, ओके, एक्स वाई ए सीरीज के अंदर नहीं है, जो आपके क्या कहते हैं रोज हैं, रिकॉर्ड्स हैं, तो यहाँ पे एन ए एन आ गया, फाइन। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 81, डैश इज अ सर्विस दैट अलाउज अस टू पुट अ वेबसाइट और अ वेब पेज ऑन टू द इंटरनेट, ऐसी कौन सी सर्विस होती है जिसकी हेल्प से हम वेब पेज या वेबसाइट को इंटरनेट पे क्या करते हैं, डालते हैं, ओके, एंड मेक इट अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब, उसे वर्ल्ड वाइड वेब का पार्ट बनाते हैं, तो वो क्या होता है, वेब होस्टिंग, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 82, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर रिलेटेड टू द एटिकेट्स इन डिजिटल सोसाइटी, तो आपको इन जो आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर बताना है, ठीक है, रिलेटेड टू द एटिकेट्स, जो डिजिटल सोसाइटी के अंदर एटिकेट्स यूज किए जाते हैं उससे रिलेटेड, एटिकेट्स क्या होते हैं, मतलब जो आप वहां पे मैनर्स को यूज करते हो, फाइन। तो हमारा ए क्या है, नेट एटिकेट्स, बी एथिकल, बी रिस्पेक्टफुल, बी रिस्पॉन्सिबल, ये करेक्ट है आपका ए। देन बी कम्युनिकेशन एटिकेट्स में क्या होता है, जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप कैसे करें, बी प्रिसाइज, बी पोलाइट, बी क्रेडिबल, ठीक है, कम्युनिकेट करते टाइम, ये भी आपका करेक्ट है। देन आपका सी है डिजिटल एटिकेट्स, बी काइंड, बी कंसिडरेट, बी काइंड, बी कंसिडरेट, डिजिटल एटिकेट्स ये करेक्ट नहीं है। सोशल मीडिया एटिकेट्स, बी सिक्योर, बी रिलायबल, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सी है वो इनकरेक्ट है, ओके, फाइन। Then we have question number 83. And dash is a person who deliberately shows discord on the internet by starting quarrels or upsetting people by posting inflammatory or off-topic message in an online community just for amusement. ठीक है, अपने मजे के लिए लड़ाई कराना, उल्टे सीधे पोस्ट डालना, ये कौन करता है, ये किसका काम है, ये होता है इंटरनेट ट्रोल का वर्क, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, इंटरनेट ट्रोल, नेटिजन कौन होते हैं जो इंटरनेट को यूज करते हैं, डिजिटल सिटीजन्स, राइट, इंटरनेट एडिक्ट क्या होते हैं, जो इंटरनेट को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और यहाँ पे जो इंटरनेट पे उल्टे सीधे पोस्ट डालते हैं, लोगों के बीच लड़ाई कराते हैं, वो क्या होते हैं, इंटरनेट ट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइटिंग ईमेल्स और रिस्पॉन्स और पोस्ट वी मेक ऑन डिफरेंट वेबसाइट और मोबाइल एप्स इज अ पार्ट ऑफ, ठीक है, तो आप अगर मेल्स डालते हो, रिस्पॉन्स देते हो, पोस्ट डालते हो, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे, तो वो क्या होता है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप कर रहे हो एक्टिवली यू आर वर्किंग ऑन द वेब, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको आप बोलोगे एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट, जो आप क्या करते हो, डेलिब्रेटली करते हो, राइट, जो आप जानते हो कि आप ये काम कर रहे हो उसको बोलते हैं एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट।
Then next question number 85. Assume DF is a data frame. Dash is used to find the average of square difference from the mean. So average of square difference क्या होता है? Variance होता है. Okay. तो यहाँ पे क्या? Variance is used to find the average of the square difference from the mean and dash is calculated as the square root of the variance. Square root of variance क्या होता है? Standard deviation होता है. Fine. तो आपका question number A यहाँ पर correct है. Okay.